अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि 1% जब बैटरी हमारे मोबाइल की रह जाती है तो वो इतनी देर तक क्यों चलती है। भाई ये बात तो हर कोई जानना चाहता होगा, तो चलिए फिर वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। अगर आपने गौर किया होगा तो जब हमारा फ़ोन 1% बैटरी पर रह जाता है तो वो ज़्यादा चलता है। इसके पीछे कारण ये है कि जितने भी स्मार्टफोन होते हैं उनकी बैटरी कभी भी ख़त्म नहीं होती। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुना आपने कि उनकी बैटरी कभी भी ख़त्म नहीं होती, चाहे वो बंद ही क्यों ना हो जाएं। जी चाहे वो स्विच ऑफ ही क्यों ना हो जाएं बैटरी लो होने के कारण, लेकिन उनकी बैटरी आपको दिखाता तो है मोबाइल की बैटरी लो, लेकिन वो मोबाइल की बैटरी कभी लो ही नहीं होती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या वजह है इसकी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मोबाइल की बैटरी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी तो वो चार्ज ही नहीं होगा। तो हमारी जो 1% चार्जिंग रह जाती है वो इतनी देर तक इसलिए चलती है क्योंकि कंपनी वाले खुद अपनी तरफ से आपको जो है थोड़ा सारा टाइम एक्स्ट्रा देते हैं, उसमें पावर थोड़ी सारी ज़्यादा हो जाती है, एक तरह से मैं अपनी लैंग्वेज में कह रहा हूँ कि ताकि आप कोई भी अगर इम्पॉर्टेंट काम कर रहे हैं, लाइक जैसे कि आप कोई मोबाइल से कॉल कर रहे हैं और कॉल करते करते आपकी बैटरी डाउन हो गई, तो आप थोड़ी सी देर और बात कर सकेंगे। तो इसलिए जो है आपको थोड़ा सा हल्का सा लॉन्ग टाइम मिल जाए, या फिर आप चाहते हैं कि आपका मोबाइल स्विच ऑफ ना हो और आप चार्जिंग पे लगा दें और आपका घर जो है थोड़ी सारी दूर है, तो आप जा रहे हैं और जब तक घर पहुँचेंगे तो आपको इतना टाइम मिल जाएगा कि आप चार्जिंग लगा लोगे, और अगर आपका घर बहुत ही ज़्यादा दूर है तो स्विच ऑफ हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि 1% चार्जिंग इतनी देर तक क्यों चलती है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हम लाते रहते हैं जिससे कि आपकी नॉलेज जो है वो बढ़ती है। तो चलिए फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अल्लाह हाफिज़।